जम्मू कश्मीर के डीजी प्रिजन एच के लोहिया की हुई निर्मम हत्या। और आपको बता दें कि ये इसी स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ दिनों से वो यहाँ पर ठहरे हुए थे और उनका डोमेस्टिक हेल्पर भी उनके साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजी प्रिजनर एच के लोहिया की हत्या एक ऐसे समय पर हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पे थे। एच के लोहिया नवरात्र के सिलसिले में श्रीनगर से जम्मू आए थे और कुछ दिनों से अपने दोस्त के घर ठहरे हुए थे। इनका डोमेस्टिक हेल्पर भी जो इनके साथ था। आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज में मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इनका जो हेल्पर है वो फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि जिससे उनकी हत्या जो है की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर से ये खून से लथपथ जो ये पिलो यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे उनको मारने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि खून की कुछ छींटे भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, उन्हें जलाने की भी जो है कोशिश की और इस वाक्य के बाद जो है वो फरार हो गए। इस वाक्य के बाद यासिर अहमद नामक जो उनके साथ डोमेस्टिक हेल्पर था वो फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी अब कर दी गई है। बता दें कि जांच के दौरान मिली सीसीटीवी फुटेज में इस वारदात के बाद नौकर भागता हुआ नजर आया है और उसके बाद से ही जो है जांच जारी कर ली गई थी। और ये घर हम आपको बता दें कि ये उनके दोस्त का घर है जहां पर वो कुछ दिनों से ठहर रहे थे। उनके घर का रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते वो अपने डोमेस्टिक हेल्पर के साथ इसी घर में मौजूद थे। और कल रात जिस तरह से मर्डर का वाक्य सामने आया है, लगातार आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर समय पर मौजूद है और अभी भी यहाँ पर पुलिस फोर्स आपको पूरी साफ तौर से नजर आएगी। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों द्वारा हेल्पर की पिक्चर भी रिलीज की गई थी और इसी बीच ये कहा गया था कि अगर किसी को भी ये दिखता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि बड़ी अपडेट ये है कि अब उस हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आपको बता दें इस मर्डर का सबसे बड़ा जो बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आतंकी संगठन द्वारा इस वारदात के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ये ली है और ये भी कहा है कि अमित शाह के दौरे का ये तोहफा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इसे डिनाई कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इस पर भी जाँच जो है चल रही है और इस मर्डर केस में जो जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये वही गली है और यही वो रास्ता है जहाँ पर एच के लोहिया का मर्डर हुआ और जिस घर में वो रुके हुए थे वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया। इस पर लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि जो उनका डोमेस्टिक हेल्पर था वो एक डिप्रेशन का शिकार था और पुलिस द्वारा जो है इस तरह की जानकारी दी गई है कि वो डिप्रेशन का शिकार था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता था। और उसी बीच हमने आपको दिखाया कि ये वही रास्ता है जहाँ पर इस तरह की वारदात जो है की गई। इसकी जाँच जो है लगातार जारी है, पुलिस इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट आती है ये भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप इसे देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।